गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आई होप ऑल आर फाइन। इन प्रीवियस टॉपिक वी रीड द अफ्रीका एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, एशिया, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर अबाउट 30% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है और अर्थ का 30% लैंड यहीं पर है। अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव हेयर, और पूरे वर्ल्ड की कम से कम 60% पॉपुलेशन हमारे एशिया में है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज प्राइमरली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहले एशिया की जो पॉपुलेशन थी, कॉन्टिनेंट जो था, ये सिचुएटेड कहाँ था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर इट हैज़ द पैसिफिक ओशन। अगर इसके ईस्टर्न बॉर्डर में हम देखें तो वहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन पाया जाता है, जो कि साउदर्न बॉर्डर से लगा होता है। और इसके साउदर्न बॉर्डर में कौन सा पाया जाता है? इंडियन ओशन। ईस्टर्न बॉर्डर में कौन सा पाया जाता है? पैसिफिक ओशन। और साउदर्न बॉर्डर में इंडियन ओशन। द अरेक्टिक ओशन लाइज ऑन इट्स नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर। और अरेक्टिक ओशन जो होता है वो इसके नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर में पाया जाता है, जबकि इसके वेस्ट में यूरोप होता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, द कोल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाइएस्ट पीक जो वर्ल्ड का है वो माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। द कोल्डेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द गोबी डिजर्ट ऑफ चाइना। वर्ल्ड का जो सबसे कोल्डेस्ट डिजर्ट होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डिजर्ट, द थार डिजर्ट ऑफ इंडिया, आर सिचुएटेड इन एशिया। और जो थार डिजर्ट होता है, सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट, वो भी एशिया में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ एशिया में तीन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ मैंने बताई? एक तो माउंट एवरेस्ट, दूसरा गोबी डिजर्ट एंड थर्ड थार डिजर्ट। ओके, अब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। थो द स्मॉलेस्ट ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट्स, इट इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री। ये हमारा सेवन कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द सिक्स लार्जेस्ट कंट्री विच इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय टू ओशंस। ये जो सराउंड होता है दो ओशन से, इंडियन ओशन ऑन द वेस्टर्न साइड, इसके वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन होता है, एंड द पैसिफिक ओशन इसके ईस्टर्न साइड में होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जियोग्राफी एंड साइज, अगर इसकी जियोग्राफी और साइज के उससे देखें तो इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। तो ये रिफर्ड करता है आइसलैंड कॉन्टिनेंट को। इट इज़ द मोस्ट आइसोलेटेड एंड रिमोट कॉन्टिनेंट, इसको हम रिमोट कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटी पाई जाती है, विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे अलग होती है। एग्जाम्पल हैं जैसे कंगारू, कोला, डिंगू, वॉलाबाई एंड वॉम्बैट। ये सारी चीज़ें हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जो कि सबसे अलग होती हैं। द कॉन्टिनेंट इज आल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ। और ये जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रीफ है उसका ये होम माना जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर, द ग्रेट बैरियर रीफ। और ये सबसे बड़ा वंडर्स भी माना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसको कहते हैं। थर्ड हम देखेंगे यूरोप, बीइंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी मैंने देखा कि सबसे छोटा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब उससे सेकेंड नंबर पे हम लेंगे तो वो यूरोप है।
यूरोप इज़ द होम टू अबाउट 11% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। अगर हम ये देखें तो अर्थ पॉपुलेशन 11% पॉपुलेशन यहाँ पर अर्थ की रहती है यूरोप में। दस इट इज़ द सेकेंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अगर हम देखें तो एशिया के बाद सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो हमारा है वो यूरोप है, ठीक है। एशिया के बाद सबसे डेंसली पॉपुलेटेड हमारा कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी सिचुएटेड है, और हमारे वर्ल्ड की जो सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी जिसको हम कहेंगे वो यहाँ पर है। यूरोप इज सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी। यूरोप हमारा किससे सराउंड होता है? मेडिटेरियन सी से। एंड द ब्लैक सी ऑन इट साउथ, और इसके साउथ में ब्लैक सी पाया जाता है। द अटलांटिक ओशन ऑन इट्स वेस्ट, और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन होता है। एंड द अरेक्टिक ओशन ये जो होता है वो इसके नॉर्थ में होता है। यूरोप हमारा किससे सराउंडेड होता है? मेडिटेरियन सी से। ब्लैक सी इसके साउथ में पाया जाता है, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में होता है, और अरेक्टिक ओशन इसके नॉर्थ में पाया जाता है। यू अंडरस्टैंड बच्चों? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेंस।